तो आज के इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं 37th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, जो कि साल में एक बार लगता है। यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो है तुगलकाबाद, और दूसरा मेट्रो स्टेशन है बदरपुर। वहाँ से आपको ई रिक्शा की फैसिलिटी मिल जाएगी, 20 से 30 रुपये लेंगे और 10 से 15 मिनट में आप इस मेले में पहुँच जाएंगे। और हम लोग अपनी गाड़ी से आए थे तो हम गूगल मैप को फॉलो करते हुए इस मेले तक पहुंचे। अगर मैं पार्किंग चार्जेस की बात करूं तो वीकडेज में जो चार्जेस हैं पार्किंग के वो 100 रुपये हैं और वीकेंड्स में 200 रुपये हैं। तो वीकडेज में आना यहाँ पे बेहतर है क्योंकि क्राउड भी आपको उस हिसाब से कम मिलेगा। गाड़ियों के लिए जो पार्किंग का स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है जिसमें हज़ारों गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं आराम से। यहाँ पे हम टिकट्स ले रहे हैं, जो टिकट्स के चार्जेस हैं वो हैं 120 रुपये वीकडेज में, और वीकेंड्स में जो चार्जेस हैं वो है 180 रुपये पर पर्सन। दिस साइड ज्योति। तो आज हम आ गए हैं फरीदाबाद के सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले में। ये साल में एक बार लगता है मेला और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं एक्सप्लोर करने के लिए इस मेले को। ये एक ऐसा मेला है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर इस मेले को लगाया जाता है, और यहाँ पे आपको शॉपिंग के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। हर एक कंट्री, हर एक स्टेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है इस मेले में। यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा फूड कोर्ट भी मिल जाएगा जहाँ पे हर एक कंट्री, हर एक स्टेट का फूड जो है वो आप टेस्ट कर सकते हैं। तो इस मेले की वाइब बिल्कुल अलग है। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे सूरजकुंड का ये मेला, तो चलिए चलते हैं। जैसे आप गेट नंबर 2 से एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा बड़ा सा फूड कोर्ट। यहाँ पे अलग अलग स्टेट का जो खाने का जायका है वो आप टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिटिंग एरिया भी है काफी बड़ा सा, और हर एक स्टेट का खाना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस मेले में आपको जगह जगह वॉशरूम्स मिल जाएंगे और साथ ही पानी पीने की व्यवस्था भी की गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वॉशरूम्स जितने भी हैं वो काफी ज्यादा क्लीन है, इस चीज का ध्यान रखा गया है। मेले को एक्सप्लोर करने से पहले हम आ गए साडा पंजाब के स्टॉल पे, क्योंकि पंजाब का नाम सुनते ही ना खाने की बात शुरू हो जाती है। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे टेस्ट किया जाए कि खाना कैसा है। तो हमने ऑर्डर किया राजमा चावल और रुमाली रोटी चाप, लेकिन टेस्ट वाइज की अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ऐसा लगा हमारे पैसे वेस्ट हो गए। तो हमने उसके बाद बीकानेर वाला भी वहाँ पे था, यहाँ पे एक थाली ऑर्डर की, उसके बाद खाना खाया। सूरजकुंड मेला इकलौता ऐसा मेला है जहां पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं, अपनी संस्कृति को लोगों से रूबरू कराते हैं। इनफैक्ट सिर्फ देश से नहीं, विदेशों से भी लोग आए हैं और अपनी संस्कृति को बहुत ही खूबसूरती से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यही है इस मेले की खूबसूरती। Thank you.
सो इस मेले में है बहुत सारी आउटलेट्स जहां पे आपको नजर आएंगी काफी सारी इनोवेटिव और क्रिएटिव चीजें, क्योंकि इस मेले का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो सिर्फ यही है कि जो भारत में मौजूद जितना भी टैलेंट है या फिर जितनी भी इनोवेटिव चीजें हैं, क्रिएटिव चीजें हैं, वो लोगों के सामने लाई जाए और उस चीज को बढ़ावा दिया जाए। एंड अभी हम आ चुके हैं हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जोन में। यहाँ पे आपको काफी सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स मिल जाएंगे जो कि एज अ शोपीस आप घर में यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन 15 दिनों में मौका मिलता है इन क्राफ्ट सेलर्स को, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी आर्ट और अपने कल्चर को दिखा सके। एंड अभी ये सामने जो स्टॉल आप देख रहे हैं ये है आंध्र प्रदेश से। यहाँ पे है लाइट लैंप्स जिनकी रेंज है 1200, 1800, 2000, 2500 ऐसे करके साइज के अकॉर्डिंग जो है वो प्राइजेस हैं। और ये वाला एंड सामने स्टॉल है ज्वेलरी का जहाँ पे आपको बढ़िया कलेक्शन मिल जाएगा। एक स्टोर नहीं है, काफी सारे स्टॉल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। साथ ही काफी बड़े एरिया में इस मेले को ऑर्गेनाइज किया गया है और हजारों की संख्या में आपको इस मेले में पुलिस वाले मिल जाएंगे। सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया है इस मेले में। इसमें कलर है और नेक्स्ट अभी हम आ गए हैं बहुत ही क्यूट सी स्टॉल पे। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे काफी सारे हैंगिंग आइटम्स, ये सारे के सारे हैंडीक्राफ्ट हैं और बहुत ही सुंदर काम किया गया है इन आइटम्स पे। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो 200, 250, 300 ऐसे करके रेंज थी इन सब की। नेक्स्ट हम आ गए इस वेस्ट बंगाल के स्टॉल पे। यहाँ पे आपको पर्स का, बैग्स का अच्छा खासा कलेक्शन मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेला बहुत बड़े एरिया में ऑर्गेनाइज किया गया है, बहुत सारी हजारों स्टॉल्स हैं यहाँ पे, तो हर एक स्टॉल पे जाके आपको हर एक चीज का रेट बताना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको पूरा जो मेला है वो एक्सप्लोर जरूर कराऊंगी, क्या क्या, कौन कौन सी शॉप्स हैं यहाँ पे, क्या क्या आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस तरीके का मेला है, ये सारी चीजें मैं आपको इस व्लॉग में जरूर दिखाऊंगी। नेक्स्ट ये सारी जो स्टॉल्स आप देख रहे हैं ये हैं थाईलैंड की तरफ से। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे शोपीसेस, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का बढ़िया कलेक्शन, ज्वेलरी का भी अच्छा खासा कलेक्शन आपको इन सारी स्टॉल्स पे मिल जाएगा।
उज़्बेकिस्तान नेक्स्ट आपको इस मेले में काफी सारे स्टॉल्स ऐसे मिल जाएंगे जहां पे आपको मिल जाएगा मिट्टी के बर्तन का बढ़िया कलेक्शन। रेट्स वगैरह थोड़े से हाई आपको लगेंगे लेकिन आपको क्वालिटी वाइज ये अच्छी चीजें मिलेंगी। ये कितने का एक पीस? ये मैम 450 रुपए का सेट है। 450 रुपए। तो ये सूरजकुंड मेला 2 फरवरी से लोगों के लिए खुल चुका है और 18 फरवरी तक आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और इस मेले के मजे ले सकते हैं। अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूँ इस मेले की तो 10 बजे सुबह ये खुल जाता है और रात के 8 बजे तक आप यहाँ पे घूम फिर सकते हैं और मजे कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी दिख जाएंगी जो कि शायद आपने देखी भी ना हो, आपका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। सो अगर आप भी हैं दिल्ली NCR से तो यहाँ पे विजिट करना तो बनता है, तो जल्दी आइए। और अगर आप इस मेले में विजिट कर चुके हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। एंड अगर आपने विजिट नहीं किया है तो आपको जल्दी से विजिट करना है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ की जो टिकट्स है वो आप बुक माई शो से बुक कर सकते हैं और यहाँ पे इजिली आ सकते हैं। आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं है टिकट्स के लिए, आप इजिली एंट्री कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए ये मेला। We'll be right back.
नेक्स्ट हम आ गए हरियाणा जोन में और यहाँ पे आपको बड़ा सा सेटअप नजर आ रहा है हरियाणा का, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, हरियाणा अपना घर। और यहाँ पे जो पगड़ी बांधने की जो परंपरा होती है हरियाणा में वो दर्शाई गई है, और साफ साफ लिखा है अगर आपको पगड़ी बंधवानी है और फोटो खिंचवानी है तो 100 रुपये चार्जेस हैं, अगर आपको फोटो खिंचवाने के साथ साथ पगड़ी घर ले जानी है तो 200 रुपये चार्जेस हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि गुजरात में है। इस चीज को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है, इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस मेले का हर एक टाइम, हर एक साल ना एक फोकस स्टेट होता है, इस बार है गुजरात। सो फोकस स्टेट होने के कारण जो गुजरात की थीम पर इस मेले को डिजाइन किया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज किया है, काफी अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ का, काफी अच्छे से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस बड़े से मेले में, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप भी इस मेले में आना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप वीकडेज में यहाँ पे आएं, क्योंकि वीकेंड्स में काफी ज्यादा क्राउड होता है, काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो फैमिली के साथ आना, बच्चों के साथ आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, भगदड़ सी हो जाती है और चीजों को एक्सप्लोर करना भी सही से नहीं हो पाता है। और टिकट प्राइस भी जो है वो कम है, 60 रुपये कम, यानी कि वीकडेज में है 120 और वीकेंड्स में है 180। पार्किंग चार्जेस भी कम है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं मिट्टी के बर्तन का बढ़िया सा कलेक्शन। अगर मैं टी कप्स की बात करूँ, 6 का सेट 250, 350, 400 तक के थे, और अगर मैं मिट्टी के जो ग्लास होते हैं पानी पीने के, कोई छोटा वाला 50 का, बड़ा वाला 100 का, ऐसे करके चार्जेस थे। और ये क्या चीज है? एंड इस वाले स्टॉल पे आप देख सकते हैं प्लांटर्स का बढ़िया सा कलेक्शन है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, अगर आप यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको इस मेले के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा मेला है, यहाँ पे हजारों स्टॉल्स आपको मिल जाएंगी और अच्छे से एक्सप्लोर करने में तो टाइम तो लगता है, तो पूरा दिन निकाल के आइए और अच्छे से एंजॉय कीजिए इस मेले में।
जहाँ पे लगी हुई है सेल, आपको इस मेले में कई सारी स्टॉल्स ऐसी भी नजर आएंगी जहाँ पे आपको सेल प्राइस में चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे जो सेल लगी हुई थी, छोटी मोटी वुडन की जो आइटम्स होती हैं वो आपको 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए की सेल थी ऐसे करके। मेले में आपको मिल जाएंगी सिरामिक आइटम्स के काफी सारे स्टॉल्स जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। यहाँ पे आपको प्लांटर्स, मग्स, बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी। हमने भी कुछ अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें ले ली। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 50, 100, 150, 400, 500 ऐसा करके प्राइस था। शॉपिंग के लिए आपको एक से बढ़िया एक स्टॉल मिल जाएगी इस मेले में। कहीं ना कहीं कुछ तो क्रिएटिव जरूर नजर आएगा, लेकिन अगर मैं फूड कोर्ट की बात करूं तो मुझे यहाँ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि यहाँ पे आके आप खाना खाएं। फूड कोर्ट में आपको बीकानेर वाला मिलेगा, वहां पे आप जरूर खा सकते हैं। नेक्स्ट ये वाला स्टॉल है मिजोरम से। यहाँ पे आपको छोटे बड़े मीडियम हर तरीके के बैग्स का कलेक्शन मिल जाएगा, और सबसे बढ़िया बात यह है कि सारा हैंडमेड कलेक्शन है, तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही यूनिक है। मेला है तो झूले होना तो बनता है, तो इस मेले में आप शॉपिंग के साथ साथ राइड्स का भी मजा ले सकते हैं। आपको अच्छा खासा स्पेस जो है वो झूलों का भी मिल जाएगा, एक अलग जोन बनाया गया है राइड्स का, वहां पे जाके आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ज्योति तेरा अभी वकील हो। तीन लोगों के तो एक फ्री मिलेगा।
एंड ये आप देख रहे हैं आदिवासी ऑयल का स्टॉल, ये भी काफी ज्यादा फेमस ऑयल है। अगर आपने ट्राई किया है तो आपको रिजल्ट मिला ही नहीं मिला ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़ा सा एलईडी, इसमें सूरजकुंड मेले की जो छोटी छोटी झलकियां हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म करने के लिए आते हैं, किस तरीके से यहाँ पे शोज होते हैं, इन सारी चीजों को इस एलईडी पर दिखाया है और बहुत ही सुंदर और एक नेक्स्ट लेवल पे ये शोज किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं राइड्स का ये पूरा जोन है, यहाँ पे आपको बहुत सारी राइड्स मिल जाएंगी। अगर आप अपने बच्चों को लेकर आते हैं तो उनके लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और छोटी छोटी जो टॉयज की शॉप है वो भी आपको स्टॉल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कपड़ों के कुछ स्टॉल्स हैं जो कि जम्मू कश्मीर, झारखंड, लद्दाख जैसे स्टेट से हैं, और यहाँ पे इस मेले में आपको हर एक स्टेट का कपड़ा या फिर कोई भी आइटम चाहिए होगा वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट हैंडमेड आइटम्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद जरूर आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आपको करना है वीडियो को लाइक, ढेर सारे कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।